आप यदि नैनीताल जाते हैं और आप घूमने का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं, तो भारत देश का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाए जाने वाला कौसानी घूमने के लिए जरूर जाएं। कौसानी को उत्तराखंड का कश्मीर भी कहा जाता है और यदि आप यहाँ घूमने जाते हैं तो यहाँ पर शांति से कुछ समय जरूर बिताएं। कौसानी अल्मोड़ा से 48 किलोमीटर और रानीखेत से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। कौसानी भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है। आखिर क्या है ऐसा खास यहाँ जो लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते हैं? ये भारत देश का खूबसूरत विशांत हिल स्टेशनों में से एक हिल स्टेशन है। कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का एक कस्बा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत पर्यटक स्थल है ये। बागेश्वर जिले में लगभग 6075 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसा है। कौसानी में अनासक्ति आश्रम है। महात्मा गांधी 1929 में यहाँ लगभग 2 हफ्ते के लिए आए थे। आए तो कुछ दिन के लिए थे, पर उन्हें यहाँ पर इतना अच्छा लगा कि वो लगभग 2 हफ्ते के करीब यहाँ रुके। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर गांधी जी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी आश्रम में प्रार्थना सभा होती है। यहाँ पर प्रार्थना कक्ष है और प्रार्थना कक्ष में सुबह और शाम प्रार्थना होती है। यहाँ रुकने के लिए गांधी आश्रम और इसके अलावा कई होटल्स भी हैं। यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो कुछ दिन यहाँ पर शांति से बिताएं और सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त हिमालय की सुंदरता का आनंद लें। कौसानी हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थल भी है। अब आगे बढ़ते हैं। कौसानी में बैजनाथ मंदिर के परिसर स्थित है। यह मंदिर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में पड़ता है। यह मंदिर परिसर लगभग 1100 वर्ष पुराना है, जिसे कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। कहा जाता है यह मंदिर सिर्फ एक रात में ही बनाया गया था, किंतु ये सत्य है या नहीं ये बता पाना मुश्किल है। बैजनाथ में गोमती और गरुड़ गंगा बहती है। बैजनाथ उत्तराखंड का काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इन मंदिरों में मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों का प्रमुख आकर्षण शिष्ट पत्थर से निर्मित देवी पार्वती की स्थानक प्रतिमा है, जो अन्य 26 लघु मूर्तियों से सुशोभित है। जो लोग कौसानी घूमने आते हैं वो बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। आप यदि कौसानी आने का प्लान बना रहे हैं तो बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। कौसानी के आसपास के क्षेत्रों में चाय के बागान भी हैं। यहाँ आप घूमने आते हैं तो घूमते समय फैक्ट्रीज में चाय तैयार होते हुए देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ और भी खास बात है। वो खासियत ये है कि यहाँ पर हाथों से शॉले बनाई जाती हैं। हाथ से बनी शॉले भी यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब आप जब भी कौसानी घूमने आते हैं तो शॉल फैक्ट्री जरूर जाएं। तो ये थी हमारी कौसानी की यात्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।